क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स: सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सब्सटेंस, कोलोइड एंड सस्पेंशन. ये चारों टर्म्स को हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ. तो पहला क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व्ड एज मच सॉलिड एज इट इज़ कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी कि मान लीजिए हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया, सपोज 300 केल्विन लिया, तो उस टेम्परेचर पे एक सॉल्यूशन जितना सॉलिड डिजॉल्व कर सकता है, मतलब कि आप सॉल्यूट डालते जाइए सॉल्वेंट में, एक टाइम आएगा जब वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर पाएगा. तो यानी कि वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो चुका है, तो उसका जो डिजॉल्व करने का कैपेसिटी था उतना ही था, उससे ज़्यादा वो डिजॉल्व करने के केपेबल नहीं है. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. वही मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. एग्जाम्पल, एडिंग सॉल्ट टू वाटर अंटिल इट नो लॉन्गर डिजॉल्व क्रिएट्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. यानी कि आप सॉल्ट को ऐड करते जाइए वाटर में, एक टाइम आएगा जबकि आप और ज़्यादा सॉल्ट ऐड नहीं कर सकते वाटर पे, क्योंकि मतलब आप ऐड तो कर सकते हैं लेकिन वो डिजॉल्व नहीं होगा. तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सेकेंड है प्योर सब्सटेंस. अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स. तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स रहेगा, मतलब कि जो जितने भी सब्सटेंस में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे सेम रहेंगे, सिर्फ एक टाइप. इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर. एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड इज अ प्योर सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सोडियम क्लोराइड में सब में NaCl NaCl ही मिलेगा आपको और दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये प्योर है क्योंकि इसमें और दूसरा कोई पार्टिकल नहीं है. नंबर सी, कोलोइड. अ कोलोइड इज अ मिक्सचर इन विच द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द अनदर सब्सटेंस. यानी कि कोलोइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स दूसरे सब्सटेंस में स्प्रेड आउट रहते हैं, पूरे मिक्सचर में वो स्प्रेड आउट रहते हैं. और जो पार्टिकल्स है कोलोइड के वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और वो हमें आँख से, नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं. दिस पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन वेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड. यानी कि जैसे कि आपने एक जार में पानी लिया, उस पानी में मड पार्टिकल्स भी हैं, तो अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो आप देखेंगे कुछ समय बाद कि मड पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं. लेकिन कोलोइडल सोल्यूशन में ऐसा नहीं होता, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होते. अगर आप उसे डिस्टर्ब नहीं भी करें तो भी वो सेटल डाउन नहीं होंगे. दे अपियर टू बी होमोजेनस बट एक्चुअली दे आर हेटरोजेनस. यानी कि हमें देख के लगेगा कि वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, यानी कि वो सेम है थ्रू आउट द मिक्सचर, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो एक्चुअली में हेटरोजेनस मिक्सचर है. और इसका एग्जाम्पल है मिल्क. ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंशन. आप देखेंगे अभी कि आपको सस्पेंशन और कोलोइड में काफ़ी सिमिलैरिटीज मिलेगी, लेकिन डिफरेंसेस भी हैं, तो उस डिफरेंस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेदर ये एक सस्पेंशन है या फिर एक कोलोइडल सॉल्यूशन है. तो सस्पेंशन इज अ हेटरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. यानी कि सस्पेंशन भी कोलोइड की तरह एक हेटरोजेनस मिक्सचर ही है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल डाउन नहीं डिजॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंडेड रहते हैं. मतलब कि ये इसमें जो सॉल्यूट है वो एक इनसॉल्यूबल सॉलिड रहता है और वो सॉल्यूशन के पूरे मीडियम में, पूरे सॉल्वेंट में वो स्प्रेड आउट रहता है. ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आई. पहला डिफरेंस है पार्टिक
सस्पेंशन और कोलोइड में, कोलोइड के पार्टिकल्स थे वो नेकेड आइज से विजिबल नहीं थे, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नेकेड आइज से विजिबल होते हैं, और द सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। कोलोइड में हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं अगर हम उन्हें डिस्टर्ब ना भी करें तो भी वो सेटल डाउन नहीं होते कभी, लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है। सस्पेंशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं अगर उन्हें हम अगर उस मिक्सचर को हम अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल चॉक पाउडर इन वाटर, अगर आप चॉक पाउडर वाटर में मिलाए तो आप देखेंगे कि वो कुछ समय बाद सेटल डाउन हो जाएगा और वो पूरे वो हमारे नेकेड आई से विजिबल भी होता है और वो पूरे सॉल्यूशन के मीडियम में स्प्रेड आउट भी होता है, ठीक है। तो वो एक सस्पेंशन का एग्जाम्पल है।